Good morning, everyone. How are you? My name is Shruti Lamba, and I am class in charge of KT Rose. And now I am coming with a new video that is very interesting as well as very knowledgeable. Today I am going to tell you about green vegetables. आप खाते हैं green vegetables? मुझे पता है आपको ग्रीन वेजिटेबल्स अच्छी नहीं लगती हैं, पर आपको ये खानी चाहिए क्योंकि इसी से हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। आप सब स्ट्रांग होना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको ग्रीन वेजिटेबल्स तो खानी पड़ेंगी। तो आप मेरे साथ ये वीडियो देखिए, मैं आपको जो बातें बताऊंगी आपने उसको अच्छे से सुनना है, मेरी बात को मानना है और ग्रीन वेजिटेबल्स खानी शुरू करनी है। सो हियर वी गो। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट अ ग्रीन वेजिटेबल दैट इज स्पिनिच। आपने खाई है कभी स्पिनिच? ओके, आपकी मम्मा बनाती है ना स्पिनिच, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको स्पिनिच बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द स्पिनिच। Why we should eat this vegetable? Because it is excellent source of vitamin K, which is good for our bones. अगर आप ये खाएंगे, intake करेंगे, तभी आपकी bones जो हैं वो strong हो जाएंगी, और तभी मम्मा और पापा आपको insist करते हैं spinach को खाने के लिए, क्योंकि ये आपकी bones के लिए बहुत ही healthy होती हैं। और इसके अलावा इसमें आयरन भी होता है। इट ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ आयरन, विच इज अगेन गुड फॉर योर ब्लड। नेक्स्ट हेल्दी ग्रीन वेजिटेबल इज ग्रीन बीन्स। सी, दिस इज ऑल्सो ग्रीन वेजिटेबल एंड इट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स, स्पेशली विटामिन के। And it has a lots of fiber, which is good for your digestive system. So, green beans. What is that vegetable? What is the name of this vegetable? Yes, green beans. And it is good for your health. The next green vegetable is capsicum. Do you know what is the name of this vegetable? Yes, the next green vegetable is capsicum. It is an excellent source of vitamins, especially vitamins A, vitamin C. Again, it is good for digestive system. And tell me, what is this? Can anyone tell me? What is this? Yes, this is cucumber. What is this? Yes, cucumber. Cucumber has also a great amount of water. आपको पता है कि बॉडी में जब पानी की कमी होने लगती है तो बहुत गर्मी लगती है बाहर, तो अगर हम खीरे को यानी cucumber को खाते हैं तो हमारी बॉडी में जो डिहाइड्रेशन है ये उसको कम करता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी होता है जिसकी वजह से ये हमारी हेल्थ को के लिए बहुत अच्छा होता है। सो हमें ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। हमें क्या खाना चाहिए? अगेन, यस, ग्रीन वेजिटेबल्स। नाउ द नेक्स्ट इज, ओके, टेल मी व्हाट इज दिस, टेल मी, कैन यू सी द लीव्स, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दिस? Yes, this is coriander. और मुझे तो ऐसा लगता है कई बच्चों को ये coriander बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और मैंने ये भी देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे जो हैं वो अपने माउथ में से coriander की लीफ निकालते हैं और थ्रो कर देते हैं। वेरी बैड मैनर्स। हमें इसको भी इनटेक करना चाहिए, हमें इसे भी खाना चाहिए, बिकॉज इट हैज अ लॉट्स ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स। It has a lots of vitamins, it has a lots of iron, potassium and lots of fiber and protein. तो आपको coriander को next time से throw नहीं करना है और इसको proper खाना है।
ओके स्पिनच जितना हेल्दी होता है उतना यम्मी भी होता है, तो आप अपनी मम्मा को बोलना कि मुझे स्पिनच में कॉर्न डालकर ऐसे बनाकर दें। ये देखो ये है स्पिनच कॉर्न एंड दिस इज स्पिनच विद चीज। चीज सबको अच्छा लगता है ना, तो कितना यम्मी बन जाएगा और ये हेल्दी भी है यम्मी भी है। Talk about green vegetables, how can we forget about raw vegetables? You know kids, हमारे पास बहुत सारी vegetables होती हैं जिसको हम raw खा सकते हैं। Raw means कच्चा खा सकते हैं, यानी उसे cook करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। आपने just peel off किया और vegetables को खा लिया, वो भी बहुत healthy होती हैं। Oh, here are some raw vegetables that are available right now in my house. So, here you can see I have take tomato. We can eat tomato without cooking. Hum ise salad mein use karte hain. Next vegetable, the next raw vegetable is cucumber. So, I have already talked about the benefits of the cucumber, that it is highly water content vegetable. Next vegetable ki, that is onion. Onion bhi jo hai, aap salad aapne notice kiya hoga ki mama jab salad cut karti hai to onion ko bhi cut karti hai mama, to onion bhi jo hai it's very healthy. Ye aapke liye bahut beneficial hota hai, isme bhi bahut sara vitamin hota hai. Now I am going to make a salad of raw vegetables so that you can easily understand why we should intake these green vegetables as well as raw vegetables. तो मैं अब पूरा होप करती हूँ, आशा करती हूँ आप सभी छोटे छोटे बच्चों से कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इतना पता चल गया होगा कि what is good for our health. हमारी health के लिए ये वेजिटेबल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आप जो मर्जी खाइए बट साथ साथ वेजिटेबल भी खाइए, चपाती के साथ वेजिटेबल खाइए, प्रॉपर खाइए, तभी आप हेल्दी होंगे। और आपको पता है इस COVID-19 वजह से आज सबसे ज्यादा इम्यून की जरूरत है बॉडी में। अगर आपका इम्यून सिस्टम जो है वो अच्छा है तो आप हेल्दी रहेंगे और आप हर तरह की बीमारी से फाइट कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैंने खास तौर से इसीलिए बनाई है ताकि आप जो है ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स को खाइए और अपना इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करिए। सो बाय एवरीवन, गुड बाय।